और शांति का पैगाम और प्यार का पैगाम जो है वो लेके आने वाला बन सके, हमारी प्रार्थना को सुनिए। यहाँ पे जो सब मौजूद हमारे भाई और बहन, खसूसन कमिश्नर एसएमसी सीओ स्मार्ट सिटी श्रीनगर, सेंट लूक्स चर्च जो 125 साल पुराना एक हिस्टोरिक चर्च है श्रीनगर का, उसमें क्रिसमस की एक कॉन्ग्रीगेशन हुई है इस ऑस्पिशियस ओकेजन पे। ये चर्च जो है श्रीनगर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रेस्टोर किया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी इसमें एक रोल रहा है, और कितनी खूबसूरती से श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने अथर साहब की लीडरशिप में, इफ्तिखार साहब भी यहाँ पे हैं, इनकी जो टीम है इनने कितनी मेहनत से, कितनी अटेंशन टू डिटेल से इसको रेस्टोर किया है। बहुत ही बहुत ही अप्रिशिएटिव जेस्चर भी है। आज क्रिसमस के मौके पे इधर मुझे लगता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 30 years, मोर देन 30 years एक कॉन्ग्रीगेशन हुई है, और ये इसी चीज़ की अकासी करता है कि हमारा पास्ट में भी एक सिंक्रेटिक कल्चर है, वी आर वन पीपल एंड दिस सिटी हैज़ अ सिंक्रेटिक आइडेंटिटी एंड अ हिस्ट्रोसिटी, और उसको प्रिजर्व करने में जो सारे ये खुशाइन कदम लिए जा रहे हैं फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, वो बहुत खुशकिस्मती की बात है। आप देख सकते हैं कम्युनिटी यहाँ पे हमारी जो क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनके मुंह पे कितनी रौनक है, चेहरे पे कितनी रौनक है, एंड हाउ हैप्पी दे फील, एंड दैट इज़ द एसेंस ऑफ अ सिटी, दैट ऑल कम्युनिटीज फील रिस्पेक्टेड, दे फील इक्वल एंड दे फील चेरिश्ड एंड वैल्यूड। ऑनरेबल एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी है, उनसे गुजारिश भी की है कि जामिया मस्जिद में जुमे की जो नमाज है उसको रेस्टोर किया जाए, और मैंने ये भी कहा है कि ये प्रीएम्प्टिवली मस्जिद को बंद करना ठीक नहीं है, इसी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्जिद की जो क़यादत है उसकी भी बनती है कि उसको पीसफुल एक एटमॉस्फेयर में कंडक्ट किया जाए और पॉलिटिसाइज ना किया जाए। लेकिन मैंने कल ही ऑनरेबल एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे दरख्वास्त की है कि जामिया मस्जिद में जुमे की जो नमाज है उसको कायम करने की इजाज़त दी जाए।